हाँ ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास थोड़ा सा नया कंटेंट आया हुआ है जो कि आप देख सकते हो। हमारे पास आज है होंडा की हॉर्नेट 2.0। तो यहाँ पे आज ड्रैग रेस होगा। तो आपका डिमांड था भाई, तो कुछ नया लाने के लिए तो कुछ नया ले आए, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं भाई सीसी को लेके। और प्राइस की बात करें ना, तो यहाँ पे 10-15 हज़ार ये थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे फीचर्स भाई देख लो पहले, मतलब थोड़ा प्रीमियम लुक दे रखा है। यूएसडी फोर्क मिलते हैं आपको, और उसके साथ सिंगल चैनल ABS है इसमें। और आप देख सकते हो यहाँ पे रेपसोल ग्राफिक दे रखी है जो कि बहुत ही प्यारी है। और भाई FI आ गया, सबसे बड़ा चेंजेस हो इसमें FI। BS6 सब बाइकों में FI। और 18.3 इसका बीच पी पार है, और इसका बीच पी पार 19.1। तो यहाँ पे इसका 1 पॉइंट ज़्यादा है बीच पी पार। और यहाँ पे सीसी ज़्यादा है, और बीएचपी पावर यहाँ पे 1.5 हज़ार और 1,70,000-75,000। तो यहाँ पे प्राइस भी आप देख सकते हो, जो भी है मैं बता दे रहा हूँ सीधे, तो बाकी आप गूगल कर सकते हो ज़्यादा डिटेल लेनी आपको। तो हम लोग फटाक से रेस शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है एक्सेलरेशन से टॉप एंड तक। तो वीडियो में आप बने रहे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो। कोई भी सवाल इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों जगह फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो मैं चलाने जा रहा हूँ हॉर्नेट, और सबने भाई MT चलाएंगे, तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हाथ क्यों नहीं रही यार, क्योंकि इधर से विंड ब्लास्ट ज्यादा आ रहा है। मेरे को लगा भी नहीं।
लेकिन फिर भी भाई अब देखना, अब उधर से एमटी चीर देगी जब मैं चलाऊंगा ना, 140 चल रही है, मैं चीर दूंगा, लेकिन मैं मौका दूंगा तुम कंटिन्यू रहना। 130 भाई लिमिटर आ रहा है इसमें, भाई सीसी ज्यादा है और प्राइस भी ठीक है, उस हिसाब से ठीक कह सकते हैं, लेकिन अपाची 4 भी इससे बेस्ट है, ऑप्शन है। अगर जो आपको ना भाई स्पीड लेना ना, तो अपाची 4 भी पे चले जाओ, हॉर्नेट की जगह, हॉर्नेट पे जाने की जगह, तो यहाँ पे टॉप एंड आपको जो है कम मिल रहा है, 130 पर लिमिटर आ रहा है, तो आप मान के चलो 126 बड़े आराम से जाओगे। तो राइडर कुछ हो गए यहाँ पे, तो अब हम सेकंड राउंड कर, तो अब हम सेकंड राउंड करके देखते हैं कि कौन विन होता है। Doesn't have the sixth gear, man. नहीं भाई, तो भाई यहाँ पे एक चीज देख सकते हो इन्होंने, अब मैं थोड़े फीचर्स की बात कर ही लेता हूँ, लगे हाथ मौका मिल गया तो फीचर दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे गेयरिंग भी बताता है, ठीक है, और जो मतलब कंसोल दे रखा है उस हिसाब से ठीक है, लेकिन भाई अगर जो सीसी बढ़ाया है इन लोगों ने, एक गियर क्यों नहीं दिया भाई? तो भाई देख लो भाई, कंफ्यूज था, छठा गियर लगा रहा था, जब भाई हाई नहीं तो लगेगा कहाँ से। तो भाई अगर जो सीसी बढ़ाया आपने शोवा के, अपसाइड या फोर्स दे रखे, मतलब इतनी सारी चीजें दे रखी, फीचर्स ना बढ़िया दे रखा है, प्राइस भी इतना बढ़ा रखा है, एक गियर दे देते तो क्या बिगड़ जाता, टॉप एंड बढ़ जाता इसका। ऑनेस्टली शुभम भाई बताऊं, इसकी स्मूथनेस और स्टेबिलिटी टॉप स्पीड पे इससे अच्छी थी, लेकिन अगर इसमें एक गियर होता, टॉप स्पीड होती तो भाई एमटी से अच्छी तकिंग होती है, ओवरऑल अच्छी बाइक होती हर एक चीज में, क्योंकि एकदम भाई लुक देख लो, लुक आप, हम दोनों को ही, हम रेगुलर बाइक टेस्ट करते हैं, हमें फील हुआ है कि एमटी से ज्यादा स्टेबल थी,
स्मूथनेस ज़्यादा थी एंटी से, लेकिन इस बाइक की सिर्फ एक चीज़ लैकिंग है जो है सिक्स गियर, जिसका एडवांटेज आपने हमारे और शुभम भाई के बिल्कुल भाई मैंने इतना मौका तुम्हें दिया ना, तीन बार मैंने मौका दिया भाई ने क्लोजली चार पांच बार बाइक छोड़ दी थी। अगर हम ये भी चैलेंज कर दें कि उसमें छठा गियर ना लगाए तब भी वो इससे आगे रहे, तब भी आगे रहेगी, क्योंकि जो एक पावर होता भाई वो यामाहा में दिख रहा है मुझे, यामाहा अपना रियल पावर शो कर रहा है बिल्कुल। बस यामाहा को थोड़ा सा अपना गेम बढ़ाना होगा, ये थोड़े से यूएसडी फोक बस कुछ चीजें दे रहा है, मतलब ये मतलब इतना सब ना देने के बावजूद भी यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा है एमटी का। अब भाई क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे इसमें लो, अब रेडिएटर लगा हुआ है, इसमें रेडिएटर नहीं है, तो ये एयर कूलर अच्छी बाइक है लेकिन टूरिंग के लिए नहीं ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल हो इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राइट गुड।